शुभ वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का हम 27 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 14 का 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन बेकुल न हो और न डरे। आमीन। आज से यहाँ बोलने के शिक्षक मैं लेता हूँ परमेश्वर की शांति, क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, क्योंकि शांति है ये क्या चीज पहले जानना जरूरी है। क्योंकि जिस घर में कलेश है, रोना है और झगड़े हैं, वहां क्या अशांति आती है। लेकिन यीशु प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, और ये शांति परमेश्वर की ओर से आता है, मिल मिला परमेश्वर की ओर से आता है। कलेश के वजह से आजकल बहुत घर तितर बितर है, टूटे जा रहे हैं, परिवार टूट रहा है। आज दुनिया के हर कोने में अशांति से भरी पूरे फैला हुआ है कलेश। जिस घर में डाह करना और झगड़े उत्पन्न करना, ये क्या अशांति का काम है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। शांति कौन लोग ले सकता है? प्रभु का परमेश्वर की शांति वही लोग ले सकते जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आपके घर शांति होगा, क्योंकि आप हर रोज हर समय आप प्रभु के चरणों में आते हैं, उससे विनती करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, इसलिए वो यीशु प्रभु शांति का राज्य राजा है। यीशु प्रभु शांति का सोता भी है, और यीशु प्रभु शांति का सोता। क्योंकि आपके घर में अगर शांति ना हो तो उससे मांगिए, उसने बोला मैं तुम्हें दे जाता हूं, जो संसार जो देता है वो मेरे पास नहीं है। वो बोलता है जो संसार देता है, संसार आपको क्या देगा? कलेश, दुख, दर्द, यही चीज संसार देता है। लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। इसलिए दूसरी थिसलुनीकियों का 3:16 में लिखा है, जो शांति का सोता है आप ही, शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और वास्त, जो दूसरा थिसलुनीकियों की 3:16 में मैं पढ़ता हूं, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप हित में सदा और वास्तविक में शांति, आप हित में सदा और हर प्रकार की शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ है, बल्कि संत पौलुस भी आप है और मुझे शांति देने की बात कर रहा है। क्योंकि सबसे जानने वाला अनुभवी दास पौलुस है, और वो भी कह रहा है कि प्रभु क्या शांति का सोता है। जैसे मीठा एक सोते का पानी होता है ना, सबसे खारा और मीठा और अच्छा होता है शरीर के लिए। थोड़ा भी पानी पियो तो प्यास मिट जाता है और पीने का मन करता है। उसी तरह प्रभु यीशु की आप जितने नजदीक जाएंगे, जितना पास जाएंगे, और सुनने का मन करता है। और बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्ट के घर में कभी शांति नहीं है। जो प्रभु को नहीं जानते, उनके जो प्रभु के नजदीक नहीं आते, उनके घर में कभी भी शांति नहीं है। बाइबल प्रूव करता है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा शांति मिलता है। क्योंकि शांति का अर्थ क्या है? उद्धार पाए हुए लोगों को मिलती है उद्धार। क्योंकि जब तक हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, और जब तक हम अपने पाप को स्वीकार जब तक नहीं करते, हम क्या उद्धार नहीं पाए हुए। और जिस घर में उद्धार नहीं है वहां शांति भी नहीं है, बाइबल कहता है। और वास्तविक में शांति केवल यीशु की ही से माफी मांगने से मिलती है।
यीशु के चरणों में आते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। जब हम ये शब्द बोलते हैं तभी हमें उद्धार मिलेगा, तभी हमें शांति मिलेगा। इसलिए कलुसियो 3:16 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, परंतु हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यीशु प्रभु की शांति हमें हृदय में लेना चाहिए, मन के अंदर। जिसने मन से विश्वास किया, जिसने मन से विनती किया, क्योंकि बहुत से महिलाएं हैं घर के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग उदाहरण तौर पर वो महिलाएं महसूस कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं जो कि महिलाओं को ज्यादा बोला गया है कि प्रार्थना करो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बोलकर, प्रभु यीशु या पुराने नियम नया नियम हर जगह बोला गया है, परिवार के लिए शांति करो, प्रार्थना करो। इसलिए वो ज्यादा नजदीक से वो जान सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं यही उत्साहित करता हूँ कि हमें जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो यीशु से बातें करें। घर में किस चीज़ की घटी कमी है, अशांति, शांति, आशीष, जो भी चाहिए यीशु से मांगे, वो आपको देगा। क्योंकि यीशु ने पहले कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्योंकि हमें प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आगे के मुताबिक चलते हैं तो वो अपनी शांति हमें देगा, बोलकर यहाँ बोलते हैं। और रोमियो 8:6 में लिखा है, सारी शरीर पर मन लगाओ तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाओ तो जीवन और शांति है। और हम ये जाने कि हम किस पे मन लगा रहे हैं। शरीर की में अगर मन लगा रहे हैं तो क्या मृत्यु मिलेगी, लेकिन मुझ पर अगर मन आत्मा में मन लगाओ, जीवन और शांति तुम्हें दिया जाएगा, बोला हुआ है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अच्छी बातें सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको अच्छी बातें सिखाता है, और अच्छी बातें पवित्र आत्मा लेना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन भी दिखाता है, पवित्र आत्मा जो कि आपसे बातें करना चाहता है, जो ढूंढता है ना प्रभु ये पवित्र आत्मा है क्या चीज, अगर है तो मुझे दे। आप सच्चे मन से अगर प्रभु के डर आपके ऊपर, प्रभु के डर भय के साथ आते हैं तो वो आपसे बात करेगा, बेटी हाँ ये ऐसा कर वैसा कर। मन में जो अंदर जो बातें होती है ना वो परमेश्वर की बातें हैं। लेकिन दिमाग जो कि दिमाग में जो कि हमें संसार से भरमाता है, संसार की अभिलाषाएं हैं, क्योंकि हमें शरीर के लिए प्रभु ने मना किया हुआ है कि शरीर की अभिलाषा तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति उत्पन्न करता है। इसलिए रोमियो 10:15 में लिखा है, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे, जैसा लिखा है उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं, जो प्रचार करते हैं घर घर में जाकर, नगर किसे नगर हर जगह जाकर प्रचार करते हैं, वो शांति परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। आपके घर मिल मिलाप हो, आपके घर में सुख शांति हो, आपके कामकाज बढ़े, उन्नति करे, आप प्रभु में बने रहे, बोलकर ये क्या घर घर जाके सुसमाचार यीशु प्रभु की शांति का राजा का सुसमाचार सुनाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु संत पौलुस कह रहा है प्रचारक के बारे में, क्योंकि वो सुहावने पांव सुसमाचार का सुहावने पांव लेके जाते हैं आपके घर में, सुसमाचार आपके घर में शांति के लिए दुआ मांगते हैं, आपके घर में उन्नति के लिए दुआ करते हैं, आप प्रभु में आगे बढ़े बोल के दुआ मांगते हैं। ये क्या प्रभु ने भेजा गया हुआ है, क्योंकि आप कोई प्रचारक आता है तो
कभी मन से ना खटखटाए, क्योंकि ये तो परमेश्वर का दास है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छी मार्गदर्शन है के लिए भेजा गया वर्ग, उसका क्या आदर के साथ घर में वेलकम कीजिए और उनके साथ 10 मिनट 5 मिनट जितने भी देर बिताते हैं उनके साथ मिलिए, बात करिए आदर के साथ, तभी घर में भी शांति आएगी, तभी प्रार्थना किया हुआ सफल होगा, क्योंकि वो प्रभु का सुसमाचार जो प्रभु की शांति आपके घर में लेके आए। इसलिए एक वचन और पढ़ते हैं, यशाया 26:3-4 में लिखा, जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए हैं उनकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा रखते हैं। यहोवा पर सदा भरोसा रखना, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वो मुझे पद वाले को झुका देता है, बोलकर बोलते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम जब परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि वो चट्टान है, वो मुझे शांति देने वाला, मेरे घर में मिलमिलाप करने वाला, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला, क्योंकि आप जब हमें यहाँ आते हैं तो हम क्या है, एक शांतिदाता, प्रभु यीशु की संगति करते हैं, प्रभु यीशु की बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु जो शांतिदाता है उसकी अच्छी गवाही देते हैं और अच्छी वचन सुनते हैं, तो उसे मन में लेकर हृदय में लेकर उससे पवित्र आत्मा मांगिए और मुझे शांति सिखा प्रभु, ये मुझे शांति से चलने सिखा, शांति क्या चीज़ है मालूम नहीं है तो आप उससे मांग सकते हैं। यीशु प्रभु ने पहले कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, बोलकर यहाँ बोला गया, तो ये वचन के द्वारा आपको मुझे सबको आशीष मिलेगी।